वन अधिकार अधिनियम के तहत वन भूमि पर काबिज आदिवासी व गैर आदिवासी परिवारों के लोगों को वन अधिकार पत्र देने का प्रावधान है। पन्ना जिला के जरधुबा गांव के अलावा चार गांव के 1500 परिवारों को संजय रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पर गांव से बेदखल करने के लिए वन विभाग से कार्रवाई की जा रही है। हमारी ये पन्ना टाइगर रिजर्व वालों से सबसे बड़ी समस्या है कि जो कि हमारी ये जमीन थी, हमारी 16 एकड़ जमीन है हमारे बब्बा के नाम पे, तो हमारे बब्बा जी किसानी करते चले आ रहे हैं। आज कम से कम 1954-55 की जमीन है ये, 1954-55 से पट्टा बने हुए हैं। इसके बाद में आज कम से कम 15 साल करीब हो चुके हैं, तब से टाइगर रिजर्व वालों ने हमको खेती करने से मना कर दिया। कहते हैं तुमको मुआवजा मिलेगा, ये टाइगर रिजर्व में चली गई जमीन बोले हरी लाइन के अंदर हो गई है। आपको जो मुआवजा दिया जा रहा है उसमें आप दूसरी जगह जाकर के परिवार चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे, उत्ती में नहीं चला पाएंगे। 7 लाख रुपया को हम क्या करेंगे? अबे हम और पता लगाई थी दूसरे गांव में कि ये जमीन कितने की दे हो तुम, तभी कहा 5 लाख की देने। एक बार हम लोगों ने खेती किया, इन्हें जबरदस्ती उजाड़ दी, बारी तोड़ दी रेंजर साहब ने और जबरदस्ती उजाड़ दी। तब की हालांकि कुछ नहीं किया हम लोगों ने, हमने कहा ठीक है मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन इन लोगों ने आज तक मुआवजा नहीं दिया। अब जमीन में जाने नहीं देते, जूतने बोने नहीं देते। अभी इसी बस हम लोग गए थे, कम से कम 30-35 किसान जुड़ के वहाँ पर गए जमीन में सफाई वफाई करने के लिए, तो पूरा विभाग आ गया था वहाँ पर और विभाग आन करके धमकी दी गई थी कि तुमको यहाँ पर जूतने बोने नहीं देंगे और अगर तुम यहाँ पर किसानी करने आओगे तुमको लठ मारेंगे। SDO साहब ने स्पष्ट कहा था, जो कि मेरी शिकायत 181 पर दर्ज है। मैं यह वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करता हूं कि हमारे पन्ना जिले के कलेक्टर महोदय श्रीमान मनोज खत्री जी हैं, जिनका फोन नंबर है 07032251103। इस नंबर पर कॉल कर मदद करें, जिससे इन चार गांव के 1500 परिवारों को उचित मुआवजा मिल सके। मैं लक्कू प्रसाद, पन्ना जिला से, इंडिया अनहड़ के लिए।